स्थानीय लोगों ने पूंछ जिले के मेंढर उपमंडल मनकोट के गांव बरेला कसबलारी में नया राशन स्टोर खोलने की मांग की। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ बोला था, लेकिन उसके बारे में कोई गौर नहीं हुआ। टीएसओ साहब और तहसीलदार साहब और वीडियो साहब ने यहां बोला कि हम आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। लिहाजा हमारे स्टोर के बारे में यहाँ कोई अफसर आए और तहकीकात करे, यहाँ देखे क्या ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्या हमारा हक है या ये है या नहीं। कि दो स्टोर आए हैं, लेकिन वो है डीलर हमारे ही हैं, लेकिन वो स्टोर जो है साइड में बढ़ रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारा स्टोर का भी आ जाए और हमारा स्टोर का भी काम साथ में शुरू हो। वीडियो साहब, तहसीलदार साहब और टीएसओ साहब को यहाँ आना चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया और हम जो है आगे तक जाएंगे, डीसी साहब के पास में भी जाएंगे और बाद में जो हमने बोला गवर्नर के पास में भी जाएंगे। कल ये नहीं बोलना कि हमारे खिलाफ कोई गया है। हम ये बोलते हैं टीएसओ साहब, तहसीलदार साहब और उसके बाद में वीडियो साहब यहाँ आए, आके देखें क्या इन लोगों का हक है या नहीं है। आज कास और बरेला का जो है हमारा जो है कम से कम 400 जो है काट है और यहाँ कोई स्टोर नहीं है। क्यों हमारे लिए नहीं है? क्या गवर्नमेंट उनके लिए है जो हमेशा जो है ताली माली करके वो करते रहते काम कोई भी? हम ये बोलते हैं कि यहाँ आना चाहिए, किसी को भी यहाँ आके देखना चाहिए, यहाँ आके देखना चाहिए क्या ये लोग रो रहे हैं। डीसी साहब को भी यहाँ आना चाहिए और यहाँ आके देखें क्या ये लोग जो हक पर लड़ रहे हैं, क्यों ऐसे ही कर रहे हैं और हमारी कोई नहीं सड़ाई हो रही। ये हमारा बैकवर्ड एरिया है, हमारा जो है यहाँ पर कोई भी अफसर आने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये ऐसे ही बोलते रहेंगे सारी उम्र, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम आगे भी जाएंगे फिर अफसरों के पास में। मैं इसी बात पर खत्म करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर कसबलारी से हम तमाम जितने भी हजरात यहाँ खड़े हैं, इससे पहले भी जो है हमने यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, इकट्ठा होने के बाद यहाँ हमने एक जुलूस निकाला था और जिसमें ये हमारे वीडियो साहब और तहसीलदार साहब ने खुद एक्सेप्ट किया था कि हम यहाँ खुद आकर देखेंगे कि मरकज़ जो है वो कहाँ है और उस मरकज़ के ऊपर देख कर हम गौर व फिक्र किया जाएगा। अब तक हमारा काम जो है वो बिल्कुल बंद किया गया है। जब तक इस मसले का कोई हल नहीं होगा तब तक जो है हम कोई भी नया कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन इस कहने के बावजूद भी यहाँ कोई आदमी जो है वो हमें यहाँ नहीं दिखाई दिया, इसलिए हमारी एक गुजारिश है तमाम से कि आप देखें हमारा पूरा एक ऊपर कसबलारी है, यहाँ कस भी पड़ता है, बरेला भी, बगियोट भी, जो बिल्कुल मरकज़ जगह है उस पर तय किया जाए और पूरा इंसाफ के साथ हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। वरना हमारे जो लोग हैं कम अज़ कम जहाँ 1500 प्लस वोट यहाँ का है, जो पूरी आवाम का है, वो बिल्कुल पूरी आवाम का 1500 वोट है, जो बच्चा जो है वो इस फैसले को नामंजूर करता है कि एक साइड पे हमारा जो स्टोर है वो एक साइड और अलग अलग साइडों पे बनाया गया जाए, मरकज़ का जो जगह रखी है वहाँ बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लोगों को। जो जैसे कि चेयरमैन साहब ने बात की और इन्होंने बात की, इधर गांव का कसबलारी में बहुत प्रॉब्लम है, सभी लोगों को राशन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कोई जाता है किधर से जाके बलाड़ी से राशन ले आता है, कोई कहीं से ले आता है, कोई किसी को किराया देता है, कोई राशन छोड़ देता है, सभी लोगों को प्रॉब्लम है। ये लोग इतने इकट्ठे हैं, इनसे पूछ लो। आज लोग एहतजाज करने के लिए रेडी हो गए थे, कुछ समझदार लोगों ने बताया कि इधर ही हम लोग बात कर रहे हैं, कोई डी साहब को फ़ोन करेंगे, कोई टी एस ओ साहब को फ़ोन करेंगे, हमारा मामला हल करेंगे और जल्द से जल्द हमारा मामला हल किया जाए। ओके, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, एक ज़रूरी अर्ज़ है कि मारो ऊपर कसबलारी पंचायत जो एक स्टोर इससे पहले भी आए थे कि ऊपर कसबलारी सेंटर में बने जाओ, लेकिन उसको भी कोई गौर किसी ने नहीं कियो। महाराज जड़ा सिरकरदा है टीएसओ साहब, तहसीलदार साहब और वीडियो साहब, उन्होंने भी जनाब आन गए जो इस पार सेंटर के बीच लिखाई पढ़ाई कर गए दे के गया था, लेकिन उसकी बाद उस लिखन लिखाई पढ़ाई थी बाद जनाब यह अर्ज है कि वे जाकर साइड पर स्टोर बनवा रहे आई। क्या लिखाई पढ़ाई अगर ऊपर का कसबलारी के अंदर की है, लेकिन वह लिखाई पढ़ाई कट गए साइड के ऊपर, किस तरीका का नाड़ बढ़ रहे हो, क्यों किस क्या था इसका नाड़ बनी हुई हो और क्यों बनी हुई? अगर ऊपर का कसबलारी के अंदर स्टोर दितो थो जाके लिखाई पढ़ाई की थी और आज उसने साइड लेकर बना रहे, क्या या उन्होंने सुनो लड़ाई सा मारे नाल बात होकर गए या के मारे को कागज पत्र लिखा भाई लेकिन जिन्हें मौजूदा इसकी पहला भी और आज का भी ये मौजूदा है लिखा साहब का। और जब तक
महाराष्ट्र और वो हल न हुए तब तक हम इसको खुरो नहीं छोड़ सक और हल करागा छोड़ा सड़क जड़ी में बिल्कुल बंद करूंगा। डीसी साहब और भी आएंगे और भी जरा हमारा सिरकर्दा है वे आएंगे देखेंगे कि क्या यो कस बलाड़ी के अंदर स्टोर होने लोड़े या नहीं होने लोड़ तो एक नंबर। और इत बोर्ड भी देखी कि काट भी देखी मारे कितनो काट है यो काट जागे छट जागो बलाड़ी छट जागो जगाल छट जागो किधर जागे साइड और मारी इतनी बेवाही कुछ औरत ही कुछ वे जागे के प्रिंट जड़ा है जागे साइड नंबर जागे उन जगह पर जागे लगा के आ सके लगा और निका बच्चा है जड़ा कहीं ऐसा बंदा है मजूर बंदा है मजूर बंदा जागा जनाब बाहर मजूरी करे लगा और मारा कार की कोई औरत जाए कोई बच्चों जाए कोई भी जाए तो जनाब जागे जड़ो है प्रिंट कढ़ाए लगो और वे जागे उन जगह पर जगाल जाके बलाड़ी जाके इन जगह पर जागा प्रिंट कढ़ा सकेगा मारा स्टोर को जरूर हल कियो जाए महाराज स्टोर को जरूर हल की हो जाए जनाब अगर ना की हो जाए वो तो हमने सड़क बंद कर रही तो स्टोर को जरूर हल करान हुए यह बड़ी जरूरी अर्ज है महाराज जड़ा भी सरकर्दा है उन्हें थोड़ी या खबर पूछने लोड़े अगर हल ना निकले हो तो हमने हड़ताल करनी तो उसके अंदर जो वार वे जड़ा नहीं महाराज लिखाई पढ़ाई दी गई वे